बच्चों, हम कोई भी दो राशि लें तो उनके बीच नई संख्याएं डालकर नई समांतर श्रेणी बना सकते हैं। इसके लिए हमें बीच में पदों की संख्या के हिसाब से सर्वांतर डी लेना होता है, क्योंकि दो संख्याओं के बीच हम जितनी भी चाहे उतनी संख्याएं डाल सकते हैं। सिर्फ डी के चयन में हमें सोचना पड़ेगा। मान लीजिए दो राशियां ए और बी हैं, इनके बीच एन पद, मान लीजिए वो पद हम ले लेते हैं ए वन, कैपिटल में देख लेते हैं ए वन, ए टू, ए थ्री और इसी प्रकार हम ए एन तक एन पदों को, इन एन पदों को हमें दो राशियां ए और बी के बीच में डालना है और इस प्रकार एक समांतर श्रेणी बनानी है। तब बनने वाली समांतर श्रेणी कैसी होगी? तब समांतर श्रेणी हो जाएगी, क्योंकि ये इनके बीच में है ए और बी के, इसलिए प्रथम पद में होगा ए, उसके बाद ए वन, कैपिटल ए वन, ए टू, ए थ्री, इसी प्रकार ए एन, और हमारा अंतिम पद हो जाएगा यहाँ स्मॉल बी। ऐसी एक समांतर श्रेणी बन जाएगी। और इसमें कितने पद होंगे? इसमें कुल पद हो जाएंगे एन प्लस टू, क्योंकि कुल ये ए वन से लेकर ए एन तक एन पद और साथ में प्रथम और अंतिम पद, यानी कुल पद हो गए एन धन दो। मान लीजिए कि इस समांतर श्रेणी का जो सर्वांतर है उसको हम ले लेते हैं डी, स्मॉल डी। तब इस समांतर श्रेणी का अंतिम पद हम देख सकते हैं, इस श्रेणी में अंतिम पद कौन सा है? बी। तो अंतिम पद बी बराबर कितना होगा? हमने एनवे पद का सूत्र देखा था, तो बी बराबर ए प्रथम पद के रूप में धन, क्योंकि हम एन धन दो जो हमारे पास है, ये कहाँ कुल पदों की संख्या है, तो एन प्लस टूवा पद जो होगा वो यहाँ पर हम ज्ञात करने जा रहे हैं अंतिम पद के रूप में। तो हम n की जगह कितना मान लिखेंगे? n धन दो। इसे हम इस प्रकार बार लगाकर कोष्टक में है ये दिखा सकते हैं, और फिर हो जाएगा ऋण एक, क्योंकि सूत्र कहता है n ऋण एक, जहाँ यहाँ पर हमारे n का मान है n धन दो गुणित d। चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों, हमने देखा अंतिम पद, या ये यूँ कहें एन प्लस टूवा पद जो है वो हमको प्राप्त हुआ था प्रथम पद ए धन, क्योंकि हम एन प्लस टूवा पद निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा एन प्लस टू, और ये हमने उसे बाहर से निरूपित किया ये दिखाने के लिए कि ये कोष्टक में है, और ऋण एक और गुणित डी। अब इसे हल करें तो हमें क्या प्राप्त होगा? यहाँ से आपको मिलेगा एन धन एक गुणित डी। इसे और हल कर लेते हैं। हम इसे लिख सकते हैं बी ऋण ए, इसे का पक्षांतर किया, फिर मिला एन धन एक गुणित डी, और यहाँ से यदि हम डी का मान निकालना चाहें तो पहले हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं एन धन एक गुणित डी, और इसे लिख लिया बी ऋण ए, जिससे डी का मान प्राप्त हो जाएगा बी ऋण ए बटे एन धन एक। तो ये हमें यहाँ पर सर्वांतर डी का मान प्राप्त हुआ है। चलिए हम इससे अब श्रेणी के सभी पदों को ज्ञात करेंगे। आगे देखते हैं, हमने जो समांतर श्रेणी लिए है वो है ए, कैपिटल ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, इसी प्रकार ए एन तक, और फिर ये बी। यहाँ पर ये जो ए वन से लेकर ए एन तक के पदों को हमने यहाँ पर ए और बी के बीच में डाला है, हमें इन पदों को ज्ञात करना है। तो ए वन क्या होगा इस स्थिति में? प्रथम पद, क्योंकि ये इस श्रेणी का दूसरा पद है, तो ये हमें मिलेगा
प्रथम पद में सर्वांतर को जोड़ने पर। और हमने अभी सर्वांतर जो ज्ञात किया है उसका मान क्या है, बी ऋण ए बटे एन धन एक, यानी ए वन का मान हमें ये मिल गया। अब इसी प्रकार हम ए टू ज्ञात कर सकते हैं। ए टू के लिए हमारे पास क्या व्यवस्था हो जाएगी, ये हो गया आपका प्रथम पद ए धन, हम कह सकते हैं ए वन में सर्वांतर को जोड़ने पर, यानी कि फिर से ए धन टू डी, और इसमें मान रख दें हम डी का, तो हमें मिलेगा डी का मान फिर से बी ऋण ए बटे एन धन एक। आगे इसी प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं ए थ्री का मान। ए थ्री क्या होगा, बिल्कुल इसी तरह से हमारा हो जाएगा ए धन थ्री डी। तो ए धन ये तीन गुणज में आ जाएगा इसके, और डी का मान फिर से बी ऋण ए एन धन एक। चलिए आगे देखते हैं। तो इसी प्रकार हमें ए फोर का मान कितना मिलेगा, ए धन चार गुणित कोष्टक में बी ऋण ए बटे एन धन एक। हमने देखा कि ए वन का मान हमें प्राप्त हुआ था ए धन बी ऋण ए बटे एन धन एक, हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते पूरे के गुणा एक के साथ। ए टू हमें मिला था ए धन दो गुणित कोष्टक में बी ऋण ए बटे एन धन एक। ए थ्री मिला था ए धन तीन गुणित बी ऋण ए बटे एन धन एक, और ए फोर मिला है ए धन चार गुणित बी ऋण ए बटे एन धन एक। तो इसी प्रकार हम ए एन ज्ञात कर सकते हैं। ए एन हो जाएगा ए धन, यहाँ पर हो जाएगा एन गुणा में, और डी का मान बी ऋण ए बटे एन धन एक। उपरोक्त जो पैटर्न है उसको देखकर हमने निकाला कि ए एन का मान ए धन एन गुणित बी ऋण ए बटे एन धन एक हुआ, जो कि एनवा समांतर माध्य है और श्रेणी में ये जो है ये एन प्लस वनवा पद है। उदाहरण 12। 11 और ऋण 5 के बीच तीन पदों का निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण कीजिए। हल, माना 11 और ऋण 5 के बीच पद ए वन ए टू ए थ्री है, इसलिए ग्यारह ए वन ए टू ए थ्री ऋण पांच समांतर श्रेणी में है। इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए बराबर 11 और पांचवा पद ऋण 5 है। मान लीजिए इस समांतर श्रेणी का सार्व अंतर डी है। पांचवा पद हमारा होगा ए धन चार डी, चूंकि हम जानते हैं कि एनवा पद ए एन बराबर ए धन कोष्टक में एन ऋण एक गुणा डी होता है, या पांचवा पद हमारा ऋण 5 है, तो ऋण 5 बराबर ए का मान 11 धन चार डी,
या ऋण 5 11 का पक्षांतर ऋण 11 बराबर 4D या 4D बराबर ऋण 5 ऋण 11 ऋण 16 या D बराबर ऋण 16 बटा 4 बराबर ऋण 4। अतः A1 हमारा है A धन D बराबर A है 11 धन D का मान ऋण 4 बराबर 11 में से 4 को घटाएंगे तो 7। उसी तरह से देखते हैं A2 बराबर A धन 2D बराबर A 11 है धन 2 D का मान ऋण 4 कोष्टक में लिखेंगे 11 ऋण 8 2 गुणा ऋण 4 8 बराबर 3। उसी तरह से हम देखते हैं A3 बराबर A धन 3D। तो A का मान है 11 धन 3 और D का मान ऋण 4 बराबर 11 धन 3 को ऋण 4 से गुणा किए तो 12 बराबर ऋण 1। इसलिए 11 और ऋण 5 के बीच 3 पद 7 3 ऋण 1 है और जिनसे समांतर श्रेणी बनती है बनती है यह इस प्रकार है। पहला हमारा जो पद था वो 11, उसके बाद हमारा A1 जो है मान हमने निकाला 7, फिर A2 का मान हमने निकाला 3, इसी तरह से A3 का मान हमने निकाला ऋण 1 और हमारा अंतिम पद जो है ऋण 5 है। तो हमने देखा कि 11 7 3 ऋण 1 एवं ऋण 5 हमारा समांतर श्रेणी है। यह इस उदाहरण का हल होगा।